हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस आपके साथ मारपीट कर सकती है नहीं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई, ये शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही कोई अपराध करते हैं तो फिर पुलिस आपके खिलाफ FIR दर्ज करती है, और अगर आपने कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस किया है, जैसे कि हत्या, लूट, अपहरण, तो इस सिचुएशन में पुलिस बिना कोई अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट करती है। फिर CRPC के सेक्शन 57 के अनुसार पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। फिर अगर पुलिस को लगता है कि आपसे किसी भी तरह का पूछताछ करना या फिर आपके केस में किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन करना बाकी रह गया है, तो फिर पुलिस कोर्ट से पुलिस रिमांड यानी पुलिस हिरासत के लिए आवेदन करती है। कोर्ट CRPC के धारा 167 में पुलिस रिमांड का आदेश देता है। फिर पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को अपने साथ थाने ले जाती है और पूछताछ जारी करती है। आमतौर पर कोर्ट 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का पुलिस हिरासत का आदेश दे सकती है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल में 2 या 3 दिन तक का ही कोर्ट पुलिस हिरासत का आदेश देती है। दोस्तों, कोर्ट पुलिस को पुलिस हिरासत का आदेश इसलिए देती है कि पुलिस ठीक ढंग से केस में इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो आइए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आता हूँ कि क्या पुलिस हिरासत के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति के साथ मारपीट कर सकती है या नहीं। दोस्तों, पुलिस आपको गिरफ्तार करने के बाद आपसे अलग अलग तरीके से पूछताछ कर सकती है। कानून के किसी भी पुस्तक में यह प्रोविज़न नहीं है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के बाद, मतलब कि आपको हिरासत में लेने के बाद आपके साथ मारपीट करे, क्योंकि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के बाद आपके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है तो आपका मेडिकल कराया जाता है। एक बार जब आपका मेडिकल हो जाता है तो फिर पुलिस आपकी पिटाई करने से पहले 100 बार सोचेगी। फिर भी अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है तो जब आप कोर्ट में पेश होते हैं तो कोर्ट को आप सारी बातें बताएं। तो दोस्तों, पुलिस कस्टडी के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना यह पूरी तरह इलीगल है। पुलिस अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करती है तो यह मानव अधिकार के भी खिलाफ है। 3rd degree जैसा भयावह शब्द भी कानून के किसी भी पुस्तक में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।